जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, अल्लाह के फल करम से हम भी खैर करिए। जी मुझे पता है आज बना रही है तूरियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह तूरियाँ जो है ना मेरी फेवरेट है। सब्जी तो मेरी सब भी फेवरेट है, लेकिन बेगम साहबा मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। तो सब्जियां तो और भी हैं, लेकिन सब बहन भी कहते होंगे ये अरवी और तूरिया ये ज़्यादा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये मुझे पसंद है, इसलिए बेगम साहबा कहती है जो मेरे खामद को पसंद है मैं वही बनाऊंगी। बच्चे फिर भी खा लेते हैं, लेकिन खामद नाराज़ ना हो। और सच बात है, मैं इतना ख्याल करती हूँ। अभी मैं अपने फिदाजान को बोलूँगी वहाँ पर बड़े माचे पर बैठ जाओ, ऐसे इसके आगे रख दूंगी, आप खाओ इसके साथ। ऐसे नहीं पका के खिलाओ, फिर खिलाना है। मैंने एक ही टमाटर रख दिया है, पता नहीं ये खूबसूरती के लिए रखा है या वैसे सालन में डालने के लिए रखा है। मुझे अच्छा लग रहा था, छोटा सा मैंने खूबसूरती के लिए रख दिया। ये इतना बड़ा परात और एक टमाटर, और की खूबसूरती अगर करनी है तो मैं कर देता हूँ, ये कौन सी बात है। इसको अगर खूबसूरत बना के इधर ही खाना होता तो फिर तो खूबसूरती बनाती, अगर जब इसको पका के खाना तो फिर खूबसूरती बनाने का क्या फायदा। वो सबसे भी अच्छी बनी हुई हो तो अच्छा लगता है। अच्छा, मामी ने कढ़ाई में पानी डाल के ऊपर से सूखी धनिया डाल दिया। मामू रोजाना ही नए तरीके से आपको जो तूरी है वो बना के खिलाई जा रही है, माशाल्लाह मजा ही दिला देती है ये बेगम साहब। आज कुछ नया तरीका है, नया तरीका है। रेसिपी वही है लेकिन तरीका नया है। बेगम साहब को मैंने बोला है कि जल्दी जल्दी बनाओ, तो हमारे इलाके और गांव में जो सकाफती मेले होते हैं वो जो है ना शुगर मेला लगा हुआ है, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा अपने बहन भाइयों से भी शेयर करूँ और वहाँ जाके माहौल भी दिखाऊँ और खुद भी इंजॉय करूँ, आपको भी इंजॉय करूँ। तो इसलिए बेगम साहब ने भी जल्दी जल्दी से ये देखें वो तुरैयाँ जो है ना डाल दी हैं, और बाकी के मिसाले जब तक ये डालती है, जब तक सालन तैयार होगा तब तक हम जी वापस दिखा कर आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर चलें। हाँ जी, ये मिसाले वगैरह तो सबको ही पता है कि कैसे डाले जाते हैं और कैसे ही डाल के खाना बनाया जाता है, तो बाकी का हाल अहवाल वहाँ चलते हैं और वहाँ चल। असल में ना फिदा जान बड़ा उतावला हो रहा है कि मैं कब पहुँचूंगा, अब जाओ जल्दी। नहीं पता क्या मामी, आज मामू को भी कबड्डी लड़ानी है मैंने। हाँ जी यार, पता क्या है जब हम भी मतलब अब भी जवान है, बूढ़े तो खैर नहीं हुए। अच्छा सच्ची? तो फिर भी जब वहाँ ज्यादा जवानी थी शादी के पहले। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस तरह की कबड्डी खेला करते थे। फिदा जान गुजरे हुए पल याद करने के लिए जा रहा है। तो अपनी याद चल के देखते हैं, अभी भी चल के बहन भाइयों को भी दिखाते हैं। मामू तैयार हुआ तो मुस्तफ़ा भी साथ में तैयार हो गया। मुस्तफ़ा किधर जा रहे हो? पापा के साथ। पहले रोने लग गया था, अभी वो देखे रो भी रहा है साथ। आपको ले जा रहे हैं कबड्डी देखने के लिए वहाँ पे। असल में इसलिए जा रहे हैं ना, अभी मैं भी खेलूंगा बड़ा होकर। चलो ठीक है, फिर चलते हैं अभी और वहाँ जाके आपको लोगों को दिखाते हैं लोकेशन। वो देखें कब्रिस्तान के दूसरी जानब जो है ना कबड्डी लगी हुई है, वो आप लोगों को नजर आ रही होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं कबड्डी वाली जगह पे और अभी कबड्डी शुरू हो चुकी है और ऑडियंस भी आना शुरू हो गई है, आप लोगों को नज़र आ रही है। ये देखें यहाँ इस साइड से भी बहुत सारे बंदे आए हुए हैं और इस साइड से भी अभी ट्रैफिक आ रही है, मोटर बाइक्स आ रही हैं, तो यहीं पे बैठ के हम देखेंगे। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुस्तफ़ा मज़ा आ रहा है? वो डर गया, नीचे नहीं उतर रहा, क्योंकि मुस्तफ़ा ने उन भाइयों को भागते हुए देख लिया था, वहाँ उसने जाके गिराया भाई को, तो इसलिए डर गया। दौड़ वाली कबड्डी है, ये देखें एक के पीछे दो भाग रहे हैं। पकड़ लिया है, गिर के पकड़ लिया, फिर छुड़ा लिया। एक टीम जो पहलवानों की है वो इस साइड पे निकली हुई है और दूसरी टाइम टीम जो है वो प्ले कर रही है यहाँ पे। Thank you.
कबड्डी देखने के लिए बहुत सारी आवाम आई हुई है, बहुत सारे बच्चे बूढ़े सब आए हुए हैं। मामू भी वहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, मुस्तफ़ा को लेके खड़े हुए हैं यहाँ पर और कबड्डी इंजॉय कर रहे हैं। हम सब भी कबड्डी इंजॉय कर रहे हैं साथ में। मामू जी, ये कबड्डी आपने भी कभी खेली है? हाँ बिल्कुल खेली है, क्यों नहीं खेली। अच्छा ये क्या सीन है, एक के पीछे दो क्यों भागते हैं? तो एक के पीछे ये दो दो होते हैं ना साथी। अच्छा, तो एक मर्तबा वो भागते हैं आगे, दूसरी मर्तबा वो आगे भागते हैं। अगर वो एक हाथ लगाना होता है, दोनों को हाथ लगा लिया तो फिर जो है ना जीत गया। अच्छा, अगर दोनों को हाथ नहीं लगा पाया तो फिर वो दोनों पकड़ लेंगे तो फिर वो हार गया। अच्छा ये सीन होता है। सर बहुत सारी, मैंने कहा इतनी सारी टीमें, शायद दो चार टीमें आई हुई हैं। बहुत सारे हैं, यानी दो दो की टीम है ये, तो फिर बहुत सारी टीमें हो जाती हैं। दो दो की टीम है वो, देखें जैसे कि एक आगे भाग रहा है और दो उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। अगर वो दोनों को हाथ मार के चला गया तो फिर वो जीत गया, अगर नहीं उन्होंने पकड़ लिया वो देखा, अब दोनों ने पकड़ लिया ये होता सीन। हाँ बस अब वो आगे वाला हार गया, पीछे वाले जो है ना जीत गए। जीत गए, जो पकड़ने वाले थे वो जीत गए, ऐसे नहीं। मुस्तफ़ा आपको अच्छा नहीं लग रहा? खाना होता था बहुत अच्छा। अच्छा यहाँ पर कौन सा होटल लगे हुए खाने के? बोलता है खाना होता तो अच्छा होता, खाना नहीं है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मजा नहीं आ रहा। दुकानें वगैरह होती तो कुछ चीज वगैरह लेते, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, एक चिप्स वाला आया हुआ है। चिप्स तो वैसे आपने घर भी खा ली थी। अच्छा आपको दौड़ाना है हमने यहाँ पे, आप भी दौड़ोगे? ठीक है, क्यों बड़े होके तो दौड़ोगे ना। चलो अब घर चले, नहीं चले देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेला देख के हम पहुँच चुके हैं घर, जो कि सकाफ्ती मेला था। और ये बरसात के दिनों में होता है, जब बारिशें आती हैं बहुत ज़्यादा, उनके बाद जो है ना ये मेला होता है, यानी गर्मियों के जाने की खुशी में पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं। बिल्कुल, तो सब यहाँ पर आते हैं और इस मेले को इंजॉय करते हैं। बिल्कुल, बुज़ुर्ग जवान बूढ़े सब आए हुए थे। मामी कहाँ तक पहुँची आपकी रेसिपी? मेरी रेसिपी अभी इसको दे रहे आधा घंटा। आधा घंटा? हाँ आधा घंटा, क्योंकि तुरैया है ना, तुरैया अपना पानी निकालती हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आग से ही कर लूँ मैं। हमने आपको बोला तो था हम आपकी रेसिपी बनने से पहले आ जाएंगे, हम मेला देख के आ भी गए। हाँ तो अच्छी बात है ना, फिर गरम गरम खाना खाओगे। मामू किधर गए? इधर आ, मामू आपके साथ था। मैंने कब आए पहले हैं, नलके से हाथ मुँह धो के पता नहीं कहाँ चले गए। मैं थोड़ा तैबा के पास ठहर गया था। आग नहीं चल रही, अंदर ये देखिए रेसिपी। मैंने कहा था ना हम भी वापस आ जाएंगे और सालन भी नजदीक लग जाएगा। अभी बना नहीं है ना, अभी अभी आधा घंटा देर है। बिल्कुल दो। मामी यहाँ पर तैबा के साथ खेल रही है, तैबा को साथ में बिठा के। हाँ और बिस्मा वो देखे वहाँ पे सालन बना रही है, और मामू बड़ी खाला लोगों के पास बैठे हुए हैं। और यहाँ पे साथ में महक लेट रही है ना। तबीयत सेट हुई महक की? नहीं हुई अभी तक। चलें, और इस साइड पे ये हमारी दादी अम्मा, मेरी क्या लगती है, ये नानी लगती है दादी लगती है? नानी अम्मा। नानी अम्मा तो ये आई हुई है, तो यहाँ पर ये बैठी हैं। तो ये है कुछ शाम की रोटी हमारी, और साथ में तैबा को देखें। बिस्मा गई है तो अब जैनब आ गई है। सालन नहीं जलना चाहिए। बिस्मा अपनी अम्मी को कुछ चीज़ उठा के देने के लिए गई है, क्योंकि बिस्मा ने रखी थी। तो अभी जैनब को चम्मच दे के चली गई है कि जैनब आप सालन के पास बैठो और मैं चीज़ अम्मी को दे के आती हूँ। और इधर खाला ने रोटियाँ बनाने भी शुरू कर दी हैं। चार रोटियां तंदूर में लगी हुई हैं मेरे ख्याल में। हाँ चार रोटियां तंदूर में लगी हुई हैं, और बाकी ये छाबी भी बन चुकी हैं और कुछ यहाँ पे आटा पड़ा हुआ है। आज टाइम से मामी ने दस्तरखान लगा दिया, क्योंकि रात तो काफ़ी लेट हो गई थी मामू के इंतज़ार में, लेकिन आज टाइम से ही दस्तरखान लग चुका है। सालन भी तैयार होकर आ चुका है, छाबियाँ वगैरह और ये सब कुछ आ चुका है, बस रोटियों का इंतज़ार है। रोटियाँ जो ही आती हैं तो फिर सबको देना शुरू कर देंगी मामी। नींद आई हुई है आज? तबीयत कुछ सही नहीं, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, तो कुछ तबीयत मुझे सही नहीं लग रही, इसीलिए नींद आ रही है। अच्छा मम्मा देती हूँ, कभी देते हैं बच्चों को खाना, क्योंकि आपके सामने मुस्तफ़ा आप कह रहे हैं मम्मा भूख लगी है मुझे खाना दो, बस अभी दे रही हूँ उनको खाना। तो जिस बहन भाई ने खाना खाना चाहे वो ज़रूर आ सकते हैं।
रोटियां बन चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबको देना भी मामी ने स्टार्ट कर दिया। जिन जिन को ज़्यादा भूख लगी हुई है उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया, जैसा कि बिस्मा ने आज बहुत काम किया है तो इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी। और सबसे ज़्यादा जिसे भूख लगी थी उसे कुछ भी नहीं मिला, बेचारा देख रहा है सबके मुँह की तरफ। आपको तो भूख नहीं लगी है ना? इन दोनों आप दोनों को नहीं देनी, आज मामी ने बोला है। ऐसे नहीं है मामी, आज इन दोनों को नहीं देनी ना? नहीं नहीं देनी है, क्यों नहीं देनी? ये लो, ये मिल गई। हमने क्या बोला था? नहीं मिलेगी। मम्मा अच्छी है। मम्मा अच्छा? आपकी अच्छी है, इसकी मम्मा बहुत अच्छी है। दे दिया खाना, अब पीछे हट के सही से बैठ के खाओ। आप भी धो लो, इधर करो ना। हां तो मैं पैर से धो के। अच्छा धो के टांगे सही करो, टांगे सही करके बैठो। शाबाश, खा लो। बिस्मिल्लाह। अब्बू को साथ नहीं बोलोगे कि आप भी साथ में खाओ? खा लो। मुझे ना बोलो, मैं तो खा लूंगा। उन अंकल आंटियों को नहीं बोलोगे? इधर नहीं बोलोगे? सब लोग आके खा लो इधर कैमरे में। कैमरे में आंटी आप भी आ जाओ, मैं खा लेती। क्या फिर से बोलो? आंटी आप फिर आ जाओ ना। अंकल भी, अंकल को भी नहीं बोलोगे? बोलोगे सिर्फ आंटियों को बोलोगे। आंटी और अंकल आ जाओ ना खाना खाने के लिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा बच्चा है जो मामी के हाथ से रोटी खा रहा है। तुम हमारी ताड़ में होते हो, जैसे हम इधर उधर कैमरा उठा के भाग के आ जाते हो। बिल्कुल मेरी ड्यूटी है, हमारी YouTube फैमिली को दिखाना ये मेरी ड्यूटी है कि क्या हो रहा है। ये देखें जी कैमरे का ताज़ा छापा, मुस्तफ़ा का सिर्फ बहाना है। एक बुरकी आप लोगों के सामने मुस्तफ़ा को दी है, तीन बुरकियाँ मामू खा चुके हैं। उसके पापा, अच्छा फिर मुस्तफ़ा, फिर उसके पापा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह खाना सबको दे दिया है, तो बस अभी सब सो गए हैं। मैं और फिदाजान जाग रहे हैं। मैंने कहा अभी मैंने अपनी वीडियो का एंड नहीं किया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ख़राब हो रहा है।